गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक गुरुवार को 189 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें सीएमओ कार्यालय में कोरोना मरीज मिला, जबकि सूत्रों की माने तो सीएमओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा बसारतपुर में 7, कूड़ाघाट में 15, नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय और मेट्रो हॉस्पिटल में भी मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ टीवी अस्पताल में भी मरीज मिले हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी 3 मरीज मिले हैं, जिसमें डॉक्टर, कर्मचारी और नर्स कोरोना पॉजिटिव मिलने में शामिल हैं। सीएमओ होम क्वारंटाइन हो गए हैं और उनके परिवार की जांच की जा रही है। आपको बता दें, अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2983 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 68 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 991 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं जिले में अभी भी 1367 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। 189 नए मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 112 हैं, जबकि 77 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं। सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर जनपद में आज 189 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 1367 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 557 घर पर आइसोलेशन में हैं। 68 की मौत हो चुकी है, 991 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसमें शहर में 112 मरीज मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 77 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के थे। गुरुवार को 189 कोरोना के नए मामले आए हैं, जिसमें शहर में 112 और ग्रामीण क्षेत्रों में 77 हैं। बसारतपुर, जटेपुर, रेलवे, राम जानकी नगर, कूड़ाघाट में 15 मरीज, विकास नगर, सिविल लाइन्स, शाहपुर, कैंट, बसंतपुर, बनकटी चक, टीवी अस्पताल, बरगदवा, मोहद्दीपुर, घोष कंपनी, अशोक नगर, दाऊदपुर, जगन्नाथपुर, गोरखनाथ, रामदत्तपुर, सूरजकुंड, कलेक्ट्रेट परिसर, तारामंडल, सेंट्रल कॉलेज, जगदीशपुर, राप्ती नगर, राजेंद्र नगर, बिलंदपुर, ट्रांसपोर्ट नगर, सैनिक विहार, सदर थाना टोला, 10 नंबर बोरिंग, शक्तिपुरम कार्यालय, नगर शिक्षा अधिकारी, पुरदिलपुर कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इस्माइलपुर पुखरा टोला, माधोपुर, राजघाट, आजाद नगर, मेट्रो हॉस्पिटल, सुमेर सागर, इंद्राबाल विहार, मिर्जापुर, अंधियारी बाग के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बासगांव, कौड़ीराम, गघा, खोराबार, बढ़लगंज, भटहट, बरहामपुर गांव, सहजनवा, सरदार नगर व 12 अन्य मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जांच की जाएगी। इलाके सील करने के साथ सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।